नमस्कार दोस्तों, नई उड़ान अ स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। इस बार काफ़ी टाइम लग गया हमें एक नई कहानी लाने में, क्योंकि कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए जो मन को भा जाएं और साथ ही साथ कुछ न कुछ पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक संदेश दें। तो मैं ढूंढ कर लाया हूँ एक ऐसी कहानी जो मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ सकारात्मक संदेश जरूर देगी। देखिए, हम सबके जीवन में एक गुरु होते हैं और गुरु की क्या महत्व है, गुरु के शिक्षा के क्या महत्व है या गुरु की क्या वैल्यू है, ये उनको पता है जिन्होंने गुरु से कुछ सीखा है और अपने जीवन में उस ज्ञान का सही इस्तेमाल किया है और लाभ पाया है। आज की हमारी कहानी भी एक गुरु शिष्य के ऊपर ही है। एक छोटा सा बालक रहता है, करीब 8-10 साल का, 11 साल का मान लीजिए। तो वो अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं जब पढ़ने जाता हूँ तो सो जाता हूँ, मेरे अंदर वो जुनून नहीं आता, मैं मेहनत ही नहीं कर पाता हूँ कि कैसे पढ़ूँ, कैसे मैं कुछ भी काम करने जाता हूँ तो वहाँ पर मेरा मन नहीं लगता, मतलब इंटरेस्ट नहीं आता है। आज अगर आपका किसी काम में इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, रुचि ही नहीं आएगी, तो आप उस काम को कर ही नहीं सकते। अगर वो काम आपकी ज़रूरत बन जाए तब तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरत बनेगा कैसे? तो गुरुजी से उसने पूछा कि गुरुजी बताइए, कोई समस्या है, इसका कोई समाधान बताइए। गुरुजी ने कहा कि चलो। गुरुजी उसको लेकर गए। देखिए, नदी बोलूँगा तो आप कुछ और इमेजिन कर सकते हैं, इसलिए नदी छोड़िए, कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा वो। स्विमिंग पूल में लेके गए, आज के युग को ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं, स्विमिंग पूल के पास लेके गए एक। और स्विमिंग पूल थोड़ा गहरा था, करीब एडल्ट वाला, यानी कि 2 मीटर के आसपास गहरा रहा, 1.5 मीटर, तो एक आदमी के लिए डूबने के लिए काफ़ी है। तो उन्होंने कहा, किनारे पर खड़े हो गए खुद भी और उसको भी दिखा, बोले पानी में देखो उसके तले में कुछ दिख रहा है? कहा, नहीं गुरुजी, पानी तो एकदम साफ है। गुरुजी ने उसे अचानक से धक्का दे दिया पानी में और वो लड़का बहने लगा, वो डूबने लगा। उसे तैरना नहीं आता था, खूब छटपटा रहा था, खूब हाथ पैर मार रहा था, कभी गोते खा रहा था नीचे, कभी पानी पी के ऊपर आ रहा था। वो पूरा प्रयास कर रहा था निकलने के लिए, एकदम उसकी जान जा रही थी। जैसे आप सोचिए, अगर आपको तैरना नहीं आता है और आप पानी में आपको फेंक दिया जाए या गिर जाए या किसी तरीके से पहुंच जाए जहां आपकी जान तैरकर ही बचाई जा सकती है, तो आप कितना ज़्यादा तड़पेंगे, कितना ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे। तो वही काम उस लड़के ने किया, पूरा मेहनत लगा, पूरी जान लगा दी और पूरी कोशिश करके किसी तरह किनारे पर पहुँचा और बाहर आया। लेकिन उसकी उत्सुकता जो थी वो कम नहीं हुई। उसने गुरु से कहा कि मैं आपसे यहाँ पे एक नॉलेज लेने आया और आपने मुझे ही पानी में फेंक दिया, क्या मतलब है इसका? गुरुजी बोले, देखो बेटा, जो मेहनत और जो लगन तुमने इस पानी से निकलने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए किया और जितना ज़्यादा प्रयास किया, अगर उतना ही प्रयास उतने ही लगन से उतनी ही मेहनत से करो तो तुम अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी हासिल कर सकते हो। ये सब सीख केवल उस बच्चे के लिए नहीं थी, अपितु ये हम सब के लिए है, पूरे समाज के लिए है, पूरी मानव सभ्यता के लिए है, कि हम जो भी काम करते हैं अगर उसमें पूरी जान लगा दें, पूरे लगन से करें और यही मान लें कि अगर ये काम नहीं किया तो मेरी जान बचना मुश्किल है। फिर देखिए, आप कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। एक मानव यह जिसने सुई से लेके जहाज तक बना दिया और आज कई ग्रहों पे चला गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लगी होगी, ज़्यादा नहीं लगी होगी, थोड़ी तो लगी होगी, कुछ तो सीखा होगा आपने। अगर सीखा है तो बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।